हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है कि पहली तारीख से यानी कि 1 जुलाई से ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने वाली हैं और लोग एडमिशन करा रहे हैं, तो आप लोग पीछे मत रहिएगा, जल्द से जल्द अपना एडमिशन करा लीजिए। एडमिशन फीस हमने बहुत ज़्यादा कम रखी है। अगर एडवांस लेवल का आप सीखना चाहते हैं तो हमसे एक मरतबा ज़रूर जुड़ जाइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में मैं आपको क्वालकॉम चिपसेट के बारे में बताना चाहूँगा। इसमें फेक चार्जिंग की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। कॉयल से प्रॉब्लम आती है, बीपीएच कॉयल से, बूस्ट कैप से आती है, लेकिन आज मैं एक खास फॉल्ट के बारे में बताने वाला हूं, जो है आपका डीपी और डीएम, जिसके बारे में मैं डिटेल में पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। तो एक हमारे मित्र है, उन्होंने कहा है, तो इसके बारे में आपको एक ट्रिक देने वाला हूं, आप जिससे सिर्फ एक जम्पर लगाएंगे और आपका काम 100% हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमारा ये चार्जिंग जैक होता है, तो यहाँ पे हमारी क्या है, एक तो हमारा ग्राउंड होता है, ठीक है, एक हमारी क्या आईडी की लाइन होती है, ठीक है। तो ये आईडी की लाइन एक हमारी होती है, मैं यहां बना देता हूं एक सीपीयू। तो ये हमारा हो गया सीपीयू, ठीक है, और एक मैं बना देता हूं आपकी पीएमआई चार्जिंग आईसी, यहां बना देते हैं हम, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पीएमआई, ठीक है, इसको पीएमआई बोलते हैं, चार्जिंग आईसी बोलते हैं, और डीसी टू डीसी कन्वर्ट आईसी भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो अब हमारी ये आईडी की लाइन है, ठीक है, आईडी की लाइन जो है हमारी ये यहां से हमारी निकलेगी और इस तरह से ये हमारी कहां आ जाएगी, पीएमआई में, ठीक है। अब देखिए, ग्राउंड तो ग्राउंड हो गया, उसके बाद में हमारी क्या है, यहां से एक लाइन और निकलेगी और ये जाएगी हमारी सीपीयू में, लेकिन ये सीपीयू में तो जाएगी, लेकिन यहां से एक साइड से सीपीयू से कनेक्ट होगी और एक साइड क्या है, यहां से एक रजिस्टर लगा होगा हाई वैल्यू का, ठीक है, और एक साइड से क्या है, ये पीएमआईसी जो है हमारी यानी चार्जिंग आईसी से कनेक्ट होती है क्वालकॉम के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से क्या है, और ये हमारी लाइन कौन सी होती है, डीपी, ये होगी हमारी डीपी, एक लाइन होती है हमारी डीएम, ये हमारी कहां आती है, सीपीयू के अंदर, और यहां भी एक रजिस्टर लगा होता है हाई वैल्यू, ये हमारी हो गई डीएम। यहां पे मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और ये हमारी हो गई प्लस की लाइन, इसे हम बोलते हैं सी एच जी, ठीक है, यानी चार्जिंग की लाइन, अब देखिए यहां मैं आपको बहुत ही खास बात समझाने वाला हूं, बिल्कुल भी मत उलझिएगा, साफ साफ सुनिए। चार्जिंग जैक हमारा हो गया, इसमें एक एक पॉइंट हमारा क्या होता है, ग्राउंड, एक होता है हमारा आईडी, आईडी की लाइन यहां से निकली सीधी पीएमआई के अंदर, ठीक है। अच्छा, हमारा एक होता है डीपी और होता है डीएम। अब क्वालकॉम के जो साइड होते हैं उनके अंदर फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है, तो हमने चेक कर लिया हमारी क्या बीपीएच कॉइल भी ओके है, हमने चेक कर लिया हमारा जो बूस्ट कैप है, ठीक है, जिसके एक साइड 4 वोल्ट और दूसरी साइड क्या 8 वोल्ट मिलते हैं, वो भी हमारा क्या ओके है, या हमारा ग्राउंड है वो भी ओके है, ठीक है, और हमारी बाकी जो सारी लाइन है हमने चेक कर लिया आईसी का। मैं आपको बूस्ट आपको जो है इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा क्वालकॉम की आईसी को क्लास में, तो आप जान ही लेंगे, लेकिन यहां मैं बताना चाह रहा हूं कि हमारी ये लाइन है ओके है, ठीक है, हमारा बूस्ट कैप भी ओके है, बीपीएच भी ओके है, आईसी भी ओके है, ठीक है, बीपीएच कॉइल भी ओके है, फिर भी फोन क्या हमारा फेक चार्जिंग पे है। प्रॉब्लम क्या रहती है, आप लगाएंगे चार्जिंग शो करेगा, ठीक है, सिर्फ शो करेगा लोगो, और चार्जिंग की परसेंटेज नहीं बढ़ेगी, बैटरी बूस्ट नहीं होगी आपकी, ठीक है। तो आपके जो रजिस्टर नजर आ रहे हैं ये कैसे होते हैं, हायर वैल्यू रजिस्टर होते हैं, कैसे होते हैं, हायर वैल्यू रजिस्टर होते हैं, इसे हम बोलते हैं एचवीआर, यानी हायर वैल्यू रजिस्टर हम क्या इसको बोलते हैं। अब यहां ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा आपको एक ऐसी ट्रिक में बताने वाला हूं, आपकी आपने चेक किया है, आपकी क्या डीपी लाइन यानी डाटा पॉजिटिव की लाइन और डाटा नेगेटिव की लाइन, इन दोनों लाइनों में से कोई एक लाइन शॉर्ट हो जाती है। देखिए इसमें क्या होता है, इस लाइन में यहाँ पे डायोड भी लगे होते हैं, शुरू में कैपेसिटर तो आपको नहीं मिलेंगे लेकिन डायोड मिलेंगे, दोनों लाइनों पर एक डायोड मिल सकता है, दो दो मिल सकते हैं, और रजिस्टर और भी मिल सकते हैं, तो रजिस्टर तो शॉर्ट होता नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये लाइन 99% सीपीयू से ही शॉर्ट होती है, कहां से होती है,
सीपीयू से शॉर्ट होती है, ये एक साइड जुड़ी होती है चार्जिंग आईसी से और एक साइड क्या है सीपीयू से, और बीच में लगे होते हैं ये दो रजिस्टर, इनका एक सिरा सीपीयू से कनेक्ट होता है और एक आईसी से। तो आपको क्या करना होता है, अब बताइए आप ये लाइन शॉर्ट हो गई तो आप क्या करेंगे, आप सीपीयू को रिवॉल्व तो नहीं करेंगे नहीं, ठीक है। अब इस छोटी सी चीज के लिए आप सीपीयू रिवॉल्व नहीं करेंगे, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, सीपीयू को आपको छूना भी नहीं है। क्या करना है, मान लीजिए मिसाल के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे, आपकी क्या है डाटा पॉजिटिव की लाइन, ये क्या है आपकी हो गई शॉर्ट, तो आपको अब क्या करना है, आपको लास्ट वाला रजिस्टर जो कि इससे कनेक्ट है, सीपीयू से भी कनेक्ट है और पीएम से भी कनेक्ट है, ठीक है, आपको क्या करना है, ये वाला रजिस्टर जो है, अगर ये लाइन शॉर्ट है तो ये वाला रजिस्टर क्या यहां से निकाल देना है, ये वाला रजिस्टर क्या यहां से निकाल देना है। आपने ये रजिस्टर निकाल दिया, अब ये सीपीयू की लाइन जो थी यहां पे क्या है शॉर्ट दिखाएगी, यहां पे क्या है ये शॉर्ट दिखाएगी, ठीक है। अब ये वाली साइड क्या आईसी से जुड़ी हुई, यहां पे क्या आपको जीआर मिलेगा, तो आपको क्या करना है, यहां से जम्पर लेना है, ये वाली साइड छोड़ देनी है, यहां से जम्पर लेना है और सीपीयू के रजिस्टर के इस वाली साइड लगा देना है, यहां से जम्पर लेना है, ये साइड छोड़ देनी है, ये वाली साइड क्या है सीपीयू की छोड़ देनी है जो कि शॉर्ट है, यहां से एक जम्पर लेना है आपकी आईसी वाली साइड से, उठा के वो जम्पर कहां लगा देना है सीपीयू वाली साइड में, यानी दूसरी लाइन पे, यानी आपकी डाटा पॉजिटिव शॉर्ट है तो डाटा नेगेटिव पे लगा देना, डाटा नेगेटिव शॉर्ट है तो डाटा पॉजिटिव पे ये जम्पर लगा देना। जैसे ही आप ये जम्पर लगा देंगे आपका काम 100% सक्सेस हो जाएगा। मैंने बहुत सारे फोन के ऐप बनाए हैं, सीपीयू को निकालने की कोई भी जरूरत आपको नहीं है, इसका प्रैक्टिकल वीडियो भी हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। तो एक मतलब फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, आपको इसमें समझाने में कुछ ज्यादा है नहीं, बहरहाल मेरी आदत रहती है बार बार आपको रिपीट कराने की ताकि आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ एक छोटी से ट्रिक है, एक छोटा सा जम्पर है जिससे आप क्या बगैर सीपीयू निकाले फेक चार्जिंग को बना सकते हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों पहली तारीख से यानी 1 जुलाई से हमारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने वाली है, इसमें हम एडवांस लेवल का आपको सिखाएंगे। तो दोस्तों देर मत कीजिएगा, हमने कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, हमसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा और अपना एडमिशन जरूर करा लीजिएगा।